पुरुदेश्वर में बीते दिन दिवाली का प्यारा सा त्योहार बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट किया गया। जहां एक ओर दुनिया भर में कोरोना वायरस की दहशत फैली हुई है, वहीं इस दहशत का ख्याल रखते हुए आम जनता से लेकर बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज अपने अपने अंदाज में इस त्योहार को सेलिब्रेट करते हुए नजर आए हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री में इस बार प्री दिवाली सेलिब्रेशन की धूम नहीं देखी गई है। वहीं इस बीच सेलिब्रिटीज अपने घर पर अपने करीबियों के साथ अपने परिवार के साथ इस त्योहार को सेलिब्रेट करते हुए नजर आए हैं और इस दौरान सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं सेलिब्रिटीज की दिवाली सेलिब्रेशन की तस्वीरें। वहीं सोशल मीडिया पर धमाल मचाकर रख दिया है बॉलीवुड की नवाब सैफ अली खान और अमृता सिंह की लाडली बेटी पॉपुलर एक्ट्रेस सारा अली खान ने। जी हाँ दोस्तों, सारा अली खान ने दिवाली सेलिब्रेशन के दौरान ऐसा आउटफिट कैरी किया है जो हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। हर बार की तरह इस बार भी सारा ने अपने ट्रेडिशनल लुक के जरिए फैंस को दीवाना कर दिया है। दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें कि सारा अली खान ने दिवाली के खास मौके पर अपने फैंस को विश किया है और लिखा है, दीपक का प्रकाश हर पल आपके जीवन में नई रोशनी और खुशी लाए, बस यही है शुभकामना, शुभ दीपावली। इसके साथ साथ सारा अली खान ने अपनी खूबसूरत तस्वीर को शेयर किया है। दीपावली के खास मौके पर सारा अली खान नजर आई हैं ट्रेडिशनल लुक में। हर बार की तरह इस बार भी सारा ने अपने ट्रेडिशनल लुक के जरिए फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। आप हमारी इस रिपोर्ट में देख रहे होंगे सारा अली खान का रॉयल अंदाज। जी हां, सारा अली खान दिवाली के खास मौके पर नजर आई हैं पर्पल और गोल्डन कलर के मैचिंग ड्रेस में। सारा ने दिवाली के खास मौके पर पर्पल कलर का सूट कैरी किया हुआ है और इसके साथ सारा ने गोल्डन कलर का दुपट्टा कैरी किया हुआ है। वहीं इस खूबसूरत से आउटफिट के साथ सारा ने बड़े बड़े झुमके पहने हुए हैं और फुटवेयर्स के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पर सारा ने गोल्डन कलर की जूती पहनी हुई है। सारा ने इन खूबसूरत तस्वीरों को इंस्टाग्राम पर शेयर किया है और साथ ही साथ इंस्टाग्राम स्टोरीज पर भी। इन तस्वीरों में सारा हंसती मुस्कुराती हुई नजर आ रही हैं और अपने फैंस को दीपावली की शुभकामनाएं भी दे रही हैं। वेल, आप क्या कहते हैं यहाँ पर सारा के इस रॉयल अंदाज के बारे में, या बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।